ये कोटी बहुत यूजफुल है। आप इसको टॉप के ऊपर पहन सकते हैं, आप इसको कुर्ती के ऊपर पहन सकते हैं, एंड आप इसको किसी भी स्कर्ट के ऊपर भी पहन सकते हैं। सो ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। ये वीडियो पूरा देखिएगा, एंड ये वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ सीमा। सो ये जो फैब्रिक है वो फैब्रिक मैं अमेजोन से ली हूँ, एंड ये फैब्रिक मैं ली थी एक कुर्ती के लिए। तो वो कुर्ती कंप्लीट हो चुका है, बट ये इतना फैब्रिक वो बच गया है जिसमें ये कोटी कंप्लीट हो गया है। सो अगर आप ये फैब्रिक लेना चाहें तो वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहें तो वहां से आप ले सकते हैं। सो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आप फैब्रिक को 4 फोल्ड करेंगे, देन आप मेजरमेंट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे जो ले रही हूँ वो आपको वीडियो में दिख रहा होगा। अब मैं स्लीव ड्रॉ कर रही हूँ, वो 5.5 इंच है। इसका नेक हमें अभी नहीं ड्रॉ करना है, क्योंकि नेक फ्रंट का नेक अलग रहेगा और बैक का नेक अलग रहेगा। अब हम कट कर लेंगे। इसका लेंथ मैं ली हूँ 10 इंच। अब फ्रंट एंड बैक का पार्ट अलग कर लेंगे। बैक साइड के नेक का जो लेंथ रहेगा वो शॉर्ट रहेगा, वो बॉटम नेक रहेगा, वो आगे के वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। देन अब हम कट करेंगे फ्रंट नेक। तो उसका मेजरमेंट मैं क्या ली हूँ वो आप यहाँ पे देख लीजिए। फ्रंट का जो नेक रहेगा हमारा वो वी शेप में रहेगा। वी शेप मेरा सही से नहीं हो पाया है, आप इसे अच्छे से दीजिएगा। सो अब आप देख सकते हैं ऊपर का जो हिस्सा है वो फ्रंट का है और जो नीचे वाला है वो बैक का है। सो जो फ्रंट का पार्ट है उसे मैं इस तरह से कट कर ली हूँ। अब आपको 2 स्ट्रिप कट करना है। एंड इसे फ्रंट नेक पे हम इस तरह से ऐड करेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट इस पे सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं इस पे पहले पिन से सिक्योर कर लूँगी इसे। सिलाई लगाने के बाद इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए हम फिर से सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब जो फ्रंट का कटिंग है उसे हम फोल्ड करते हुए इस पे सिलाई लगा लेंगे। सो स्लीव के लिए मैं 2 स्ट्रिप कट की हूँ। स्ट्रिप को स्लीव से अटैच करेंगे। देन इसे फोल्ड करते हुए मैं इस पे फिर से सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने के बाद स्लीव कुछ इस तरह से दिखेगा। अब आपको कपड़े को कुछ इस तरह से कट करना है। अब किसी एक साइड में हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। देन इसे ऊपर का जो पार्ट है उस पे रख कर एंड इसे इस पे सिलाई लगाना है। इसे इस तरह से चून देते हुए सिलाई लगाएंगे। सो चून को कंप्लीट होने के बाद हम फाइनल फिटिंग देंगे साइड से। अभी रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं इसे। एंड मैं जो इसका फ्रंट है उसमें इस तरह से डोरी लगा दी हूँ।